नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं, अगर आप एक फूड बिजनेस की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल भी हो जाए, तो मैं आपको कुछ यहां पे छह गुरु मंत्र देने वाला हूं। जी हां, छह गुरु मंत्र होंगे जिनका कि प्रयोग आप कर सकते हो। आप चाहे 18 साल के हो, चाहे आप एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्री से नहीं भी हो, आप घर में रहते हो या आप कुछ भी कर रहे हो, पर आपका अगर सपना है मुझे फूड इंडस्ट्री में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, और सबसे बड़ी बात एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब सबसे पहले यहाँ अगर हम लोग बात करें छह गुरु मंत्र की, सबसे पहले यहाँ पे मेरा गुरु मंत्र है कि लर्न द बिजनेस। जी हाँ, आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप बिजनेस के अंदर रह के कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट करें, वो कुछ भी हो सकता है, क्लाउड किचन हो सकता है, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, आपका टेक अवे हो सकता है, छोटा रेस्टोरेंट हो सकता है, आपकी फूड वैन हो सकती है, फूड ट्रक हो सकता है, या घर से भी आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप छोटे स्केल पे स्टार्ट करें या फिर किसी के यहाँ जॉब करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं तो हमें उस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कौमी लेवल पे काम करते हैं, हम लोग सीनियर्स लेवल पे काम करते हैं, शू शेफ बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, तो आपको बिजनेस के अंदर घुस के ही आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आप पर यहाँ पर हम जैसे आपके भाई, आपके दोस्त काम आते हैं जो कि आपको प्रोफेशनल तरीके पर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाती है, पर आप यहाँ पर हर एक चीज़ में निपुण नहीं हो जाते हो। जी हाँ, अगर आप शेफ़ हो तो आप अधिकतर शेफ़ वाला ही पार्ट यहाँ पे कैच करते हो, पर जो बिज़नेस का पार्ट है, किस तरीके से आपको मार्केट करनी है अपनी आप चीज़ें, आप वहाँ पे पिछड़ जाते हो। इसके बाद जो दूसरा गुरु मंत्र है मेरा यहाँ पे, दूसरा जी, वो है हमारा अपने आप को समझना। जैसे कि मैंने पहली वाले गुरु मंत्र में बताया कि आप सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करते हो, क्योंकि अगर आप शेफ़ हो, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या आप किसी मार्केटिंग के बैकग्राउंड से थे पहले, तो आप मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, आपको फूड के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, और साथ साथ आपको ये भी समझना होगा आपके अंदर कमियाँ क्या है। जी हाँ, आपको अपनी कमियों का पूरा आकलन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आप दूसरी भी चीज़ कर लेते हैं, इसके बाद आता है हमारा तीसरा गुरु मंत्र, वो है आपके बिजनेस पार्टनर को ढूंढने का। जी हाँ, आप यहाँ पे अगर पहले दो सिनेरियो में आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आपको कोई भी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत नहीं। पर अगर आपको लगता है कि आप में भी कमियाँ हैं, आप में भी खामियाँ हैं, क्योंकि सब में कमियाँ और खामियाँ होती है, तो आप आपके लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ सकते हैं। वो बिजनेस पार्टनर आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या ऐसा कोई जिसे आप जानते हो पर वो आपके रिलेशन में नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, पर आपको उसके बारे में मालूम है, आपको उसकी खूबियों के बारे में मालूम है, आप उससे बात कर सकते हो और अपना आइडिया उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। यहाँ यही होगा कि आपकी जो कमियां हैं उसकी जो खूबियां हैं वो आपस में मिल जाएगी। हमें बचपन से इंडिया में यही सिखाया जाता है कि अपनी चीज़ें हमें सिक्योर करके रखनी है, हमें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, पर एक तरीके से ये अगर आप बड़ा विज़न लेके चल रहे हैं तो वो चीज़ें कभी भी सक्सेस नहीं हो पाती है। हमेशा आपको ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ना है, चाहे वो पार्टनर के तौर पर हो, चाहे एम्प्लॉय के तौर पर हो, जो कि आपकी कंपनी को स्ट्रेंथ देंगे, आपके फूड बिजनेस को आगे ले जाएंगे। इसके बाद जब आप एक पार्टनर भी रख लेते हैं, तो चौथा जो गुरु मंत्र आता है मेरा, वो है हमारे ईगो का। जी हाँ, हर किसी की ईगो हमेशा हर्ट होती है। कुछ समय बाद ही आप सोचेंगे कि भैया मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो कम काम कर रहा है, मुझे तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कह दीजिए कि यहाँ पे आपको अपने दिमाग को फिर से शांत करना है। आपका फूड बिजनेस और खासकर इन चीज़ों में जहाँ पे आपको कस्टमर को फेस करना पड़ा है, क्लाइंट को फेस करना पड़ा है, उनकी गालियाँ खानी पड़ी है, उनकी गालियाँ सुननी पड़ी है, वेंडर्स की गालियाँ सुननी पड़ी हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की गालियाँ सुननी पड़ी हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको यहाँ संयम रखना है, शांत रखना है, आपस में बैठ के सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना है। ये नहीं कि आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। इसके बाद जो पांचवा मेरा गुरु मंत्र आता है, वो है हमारे डाटा का। बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बिजनेस एक कीचड़ खाने की तरह है। जी हाँ, आप कीचड़ को खाते हैं, आप सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स में आती हैं, कभी आप अप जाएंगे, कभी आप डाउन जाएंगे, कभी आपका अच्छा प्रॉफिट होगा किसी महीने में, किसी महीने में आप माइनस में चले जाएंगे। तो इस समय सबसे पहले आपको यही करना है, आपका जो भी डाटा, जी हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, डाटा डाटा डाटा
सारा का सारा डाटा संभाल के रखना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लाउड किचन के कोर्स में, बिजनेस कोर्स में सिखाता हूँ, आप उसे इनरोल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, और आपको जहाँ भी कमी लगती है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों के बारे में, यहाँ तो पहले बात हो रही थी आपकी खुद की कमियों के बारे में, आपके पार्टनर की कमियों के बारे में, यहाँ बात हो रही आपके बिजनेस की कमियों के बारे में, कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रेंड आपने किस महीने में अपनाया था और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा था, पर कौन सा ट्रेंड आपने जो अभी समय अपना रहे हैं आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी और इसके हिसाब से आगे बिजनेस को करना पड़ेगा। सबसे लास्ट जो छठा गुरु मंत्र है वो है हमारे बिजनेस स्केल अप का। आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी एक फूड बिजनेस चालू है, आप एक क्लाउड किचन चालू कर रखा है, आप लोगों ने अच्छा खासा चल रहा है, पर आप इसको कैसे स्केल अप करेंगे? आप सेम जगह से सेम समय पे किस तरीके से अपने बिजनेस को अलग अलग डाइवर्सिफाई करेंगे? हो सकता है कि आप वहाँ पे मल्टी ब्रांड चला लें, अपनी फ्रेंचाइजी बेचने लग जाए, या आप दूसरे जो क्लाउड किचन चलते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, उनको मैन पावर सप्लाई करने लग जाए, या आप उनकी एडवर्टाइजमेंट की कॉन्टैक्ट्स ले लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, आप अपनी खुद के वेबसाइट डेवलप करके वहाँ से फल एंड सब्जियाँ बेचने लग जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ये सारे आइडिया भी हमेशा अपने दिमाग में रहने हैं, रखने, सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो ये 6 गुरु मंत्र हो गए जो कि मैंने आपको दे दिए, अगर आप एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस रन करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से बिजनेस को अपने स्केल अप करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मेरे क्लाउड किचन का कोर्स या फूड बिजनेस का कोर्स लेना, तो आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सअप की डिटेल नीचे दी गई है। इसके अलावा अगर आपके फूड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि आने वाले समय में अभी मैं फूड ट्रक, टेक अवे, सबके बारे में धीरे धीरे आपको पूरा फूड बिजनेस का, पूरा फूड का फंडा ही समझाने वाला हूँ, तो मुझे देखते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर देगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।